हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले आपसे कहा था कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के अब मंथली बेसिस पे वीडियो ना आकर के वीकली बेसिस पे वीडियो आएंगे, इस पर हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। अब आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के जो वीडियो है वो आपको तीन पार्ट में तीन डेट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। हर महीने के 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का एक वीडियो मिल जाएगा। तीन पार्ट में तीन वीडियो, तीन डेट, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख। ठीक, साथ ही साथ अब कम समय में वीडियो आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चीजों को और शॉर्ट करके पढ़ेंगे। अब आपका वीडियो में जब कंटिन्यूटी आ रही है तो चीजों को और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। यानी जो करंट अफेयर का टॉपिक हम कवर करेंगे तो उस करंट अफेयर के टॉपिक से जनरल स्टडी के कौन सा टॉपिक बन सकता है, उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी जनरल स्टडी के ही टॉपिक को हम रिलेट करते हुए चलेंगे हर एक टॉपिक से। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सितंबर माह के 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक रहे उसको कवर करने वाले हैं। देखिए, पहले नंबर पर है चर्चित स्थान। चर्चित स्थानों में पहला है आपका अष्टखंभ मंदिर। ये हाल फिलहाल में आपका बारसूर दंतेवाड़ा में आपका यह अष्टखंभ जो मंदिर है इसके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो अष्टखंभ है ये आपका एक हल्बी भाषा, स्थानीय लोग इसे हल्बी भाषा में अष्टखंभ मंदिर, इस जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे अष्टखंभ मंदिर का नाम दिया है। हल्बी भाषा में कहा गया है इसे अष्टखंभ मंदिर। देखिए, ये जो मंदिर है ये आपके 10वीं सदी का वहां के नागवंशीयकालीन मंदिर है। 10वीं सदी का नागवंशीयकालीन मंदिर, छिंदक नागवंशीयकालीन। जैसे आप सभी को मालूम है कि जो बारसूर है, ये बारसूर में जो जितने भी आपके पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसमें से सर्वाधिक साक्ष्य आपके छिंदक नागवंशीयकालीन है। तो ये जो नया मंदिर मिला है अष्टखंभ मंदिर, बारसूर का अष्टखंभ मंदिर, ये भी आपके 10वीं सदी का आपका नागवंशीयकालीन या छिंदक नागवंशीयकालीन मंदिर है। नाम याद रखिएगा, अष्टखंभ मंदिर कहाँ है? बारसूर दंतेवाड़ा में। किस शासन काल का है? ये है आपके नागवंशीय शासन काल या छिंदक नागवंशीय शासन काल का। ठीक, नेक्स्ट है आपका एटमास्को कंपनी। देखिए, ये जो एटमास्को कंपनी है ये स्थित है आपका बीरे भाट ग्राम धमधा ब्लॉक दुर्ग में। दुर्ग के धमधा ब्लॉक के बीरे भाट ग्राम के अंतर्गत मौजूद है आपका ये एटमास्को कंपनी। देखिए, ये एटमास्को कंपनी चर्चा में क्यों आया? अभी आपका ये जो रेल पुल स्ट्रक्चर, देश का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है आपके जम्मू कश्मीर के कटरा के चिनाब नदी पर देश के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, ये जो रेल पुल है इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है और कहा जाता है कि लगभग एफिल टावर की ऊंचाई के बराबर है। जो रेलवे के क्रॉसिंग के लिए एक रेल पुल बनाया जा रहा है जो आपके दुनिया का कह सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा आपका रेल पुल है। ठीक, देखिए, पहली बात तो ये कहां बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पे। तो ये जो आपका एटमास्को कंपनी है, एटमास्को कंपनी ने लगभग इसके लिए 43 स्ट्रक्चर बनाए हैं और वो 43 के 43 स्ट्रक्चर अभी रवाना किया गया है। तो जो चिनाब नदी पर जो दुनिया का सबसे ऊंचा आपका रेल पुल बनाया जा रहा है उसके लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है इस एटमास्को कंपनी, बीरे भाट ग्राम धमधा ब्लॉक दुर्ग जिले के। ठीक, देखिए, अब हम जैसे मैंने आपसे कहा कि जनरल स्टडी के टॉपिक को भी हम कवर करते हुए चलेंगे, तो देखिए जो चिनाब नदी है, इस चिनाब नदी को समझिएगा। ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी इसका उद्गम कहां से होता है? ये आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है। चिनाब नदी का उद्गम होता है आपके हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से होता है आपका इसका उद्गम। किसका? चिनाब नदी का। अब इस चिनाब नदी का अन्य नाम क्या है? अस्किनी और चंद्रभाग नाम है आपके इस चिनाब नदी का। जैसे कि आप सभी पढ़े होंगे इंडियन हिस्ट्री में, जो आपके ऋग्वेद में, जो आपके सप्त सिंधु प्रदेश में जो 7 नदियों का उल्लेख हुआ है उसमें जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी का प्राचीन संस्कृत नाम है आपका अस्किनी। प्राचीन संस्कृत नाम जो कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है अस्किनी नाम से। इसका दूसरा नाम है चंद्रभाग। चंद्रभाग नाम क्यों पड़ा? एक्चुअली में जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी दो छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है, यानी आपका एक चंद्र और दूसरा भाग। ये चंद्र और भाग दो अलग अलग नदी है, ये दो नदियों का जब संगम होता है तब जाकर के बनता है आपका ये चिनाब नदी, इसलिए इसका एक और नाम है आपका चंद्रभाग नदी। ठीक, देखिए, ये जो आपका चिनाब नदी है ये भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। भारत से होकर बहने वाली नदी सिंधु नदी की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है।
भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी की यह सहायक नदी है। ठीक, ये जो आपकी जो चिनाब नदी है इसकी लंबाई है आपकी कुल लंबाई भारत में प्लस पाकिस्तान में, देखिए जो सिंधु नदी से जाके ये मिलती है पाकिस्तान में, तो भारत और पाकिस्तान यदि हम दोनों को मिला, यानी इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से एंटर करता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से चले जाता है पाकिस्तान में, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपका 1800 किलोमीटर। तो याद रखिएगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी। उद्गम कहां से होता है, बर्रा लाचा दर्रा से। एक और प्रश्न पूछ सकता है बारालाचा दर्रा कहां है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अस्किनी इसका संस्कृत में नाम है। नेक्स्ट है आपका चक्रधर समारोह। चक्रधर समारोह जिसका आयोजन होता है हर साल रामलीला मैदान रायगढ़ के, रायगढ़ के रामलीला मैदान में आपके हर साल चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। इस साल जो चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया है 2 सितंबर में आपका इस चक्रधर समारोह का शुभारंभ किया गया। देखिए ये जो चक्रधर समारोह जो इस साल आयोजित किया गया है ये आपके 35वें नंबर का चक्रधर समारोह है। याद रखिएगा 35वां अखिल भारतीय चक्रधर समारोह, इस साल आपका 35वां अखिल भारतीय चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया है। ये क्रम से भी प्रश्न ऑलरेडी आपके CGPSC प्री में पूछा जा चुका है। इस साल आपके 35वें नंबर का अखिल भारतीय चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया। ठीक, ये तो था आपके करंट का टॉपिक। अब इससे इसको रिलेट करते हुए हम थोड़ा जनरल स्टडी के टॉपिक को कवर करेंगे, छत्तीसगढ़ GS। देखिए इसका जो आयोजन हो रहा है वर्ष 1985 से, याद रखिएगा वर्ष 1985 से हर साल के जो आपका जो गणेश चतुर्थी आता है, हर साल गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपका इस चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 2 सितंबर को आपके गणेश चतुर्थी के अवसर पर ही आपका इस चक्रधर समारोह का शुभारंभ किया गया। यह 10 दिवसीय 10 दिनों तक चलने वाला एक समारोह है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पूछा जा चुका है कि चक्रधर समारोह का आयोजन किस तिथि में किया जाता है, गणेश चतुर्थी के दिन। ये आपके CG व्यापम में ये प्रश्न पूछा गया था, गणेश चतुर्थी के अवसर पर ही आपका इस चक्रधर समारोह का शुभारंभ किया जाता है जो कि 10 दिनों तक चलता है। ठीक, अब देखिए हम चक्रधर समारोह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो चक्रधर है ये चक्रधर समारोह आपके राजा चक्रधर के जन्म जयंती के अवसर पर इसका इस समारोह का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1905 में आपके राजा चक्रधर का जन्म हुआ था। कब हुआ था, गणेश चतुर्थी के दिन ही हुआ था, इस कारण इस गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर ही इस समारोह का आयोजन किया जाता है। तो देखिए ये जो राजा चक्रधर है, राजा चक्रधर जिन्हें संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा संगीत सम्राट की उपाधि किन्हें दी गई थी, राजा चक्रधर को। ठीक, देखिए कथक कला ये प्रश्न पूछा गया है CGPSC प्री 2016 में। CGPSC प्री 2016 का यह प्रश्न बना था कि राजा चक्रधर किस नृत्य कला में पारंगत थे। कथक दिया हुआ था, कथकली दिया हुआ था, कुचिपुड़ी दिया हुआ था, 3-4 ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन लोग कंफ्यूज किस में हुए, कथक और कथकली में। ठीक, दोनों अलग अलग नृत्य है, दोनों अलग अलग डांस स्टाइल है। ठीक, याद रखिएगा कि जो राजा चक्रधर है, राजा चक्रधर कथक नृत्य में पारंगत थे, कथकली नहीं, कथक नृत्य में ये पारंगत थे। CGPSC प्री 2016 का ये प्रश्न था। ठीक, इसके अलावा यदि हम वाद्य यंत्र की बात करें तो राजा चक्रधर सिंह तबला वाद्य यंत्र बजाने में आपके पारंगत थे या उसके स्पेशलिस्ट थे। ठीक, नेक्स्ट है इनकी रचना, राजा चक्रधर सिंह की जो रचना थी, राजा चक्रधर की रचना का नाम है ताय तोल निधि। संगीत पर लिखी गई यह पुस्तक जिसका नाम है ताय तोल निधि, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है व्यापम में, बहुत बार पूछा जाता है कि संगीत पर लिखी गई पुस्तक ताय तोल निधि के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा राजा चक्रधर। साथ ही साथ जब ये आपका रायगढ़ एक रियासत भी था, रायगढ़ रियासत का जो भारत में विलय हुआ, तो भारत में विलय करने के लिए जो आपके विलय पत्र में जो साइन किया गया था वो इन्हीं राजा चक्रधर के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा राजा चक्रधर। नेक्स्ट, गणेश की दुर्लभ प्रतिमाएं, भगवान गणेश की दुर्लभ प्रतिमाएं ये प्राप्त हुई है आपके मल्हार के बिलासपुर। ये अभी नहीं, काफ़ी समय पहले आपका ये प्रतिमाएं मिली थी, लेकिन अभी गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है, आपके गणेश जी बैठाए गए हैं जगह जगह पर, इस कारण से ये कुछ न्यूज़ में आया है। ये न्यूज़ देखिए समझिएगा, ये जो आपके गणेश की जो दुर्लभ प्रतिमाएं हैं ये प्राप्त हुई है आपके मल्हार बिलासपुर में। एक है आपके हेरम्ब की प्रतिमा, हेरम्ब रूप
हेरम्ब रूप धारण किए हुए गणेश की प्रतिमा। देखिए ये जो हेरम्ब रूप धारण किए हुए गणेश की प्रतिमा है, ये गणेश जो होते हैं हेरम्ब रूप जो उनका होता है उसमें उनके पांच मुख और 10 हाथ वाले गणेश होते हैं जो कि आपके सिंह के ऊपर सवार होते हैं, शेर के ऊपर ये सवार करते हैं। एक्चुअली में जो हेरम्ब रूप है, हेरम्ब रूप का भारत में हेरम्ब रूप वाले गणेश को पूजे जाने की परंपरा है ही नहीं। ऐसे कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है जिसमें कहा गया हो कि भारत में आज तक किसी भी ऐसे जगह पर गणेश जी की हेरम्ब रूप वाली प्रतिमा प्राप्त ही नहीं हुई है। ये जो हेरम्ब रूप है, गणेश जी की हेरम्ब रूप वाली प्रतिमा, ये आपके नेपाल में पूजे जाते हैं। गणेश जी की हेरम्ब रूप वाली प्रतिमा आपके नेपाल में पूजे जाते हैं। ये जो हेरम्ब रूप है एक्चुअली में ये वो लोग पूछते हैं जो कि तंत्र मतलब आपके तांत्रिक होते हैं या तंत्र विद्या का काम करते हैं, ठीक। यानी जो आपके तंत्र विद्या जादू टोना ये जो काम करते हैं वो इस प्रकार के हेरम्ब रूप वाले गणेश की जो प्रतिमा है उसको पूजा करते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा जो हेरम्ब रूप वाला है, ये हेरम्ब रूप वाले गणेश की प्रति, ये हमारे भारत में पूजे जाने की इसकी परंपरा नहीं है, ये पूजे जाते हैं आपके नेपाल में, ठीक। ये जो हेरम्ब रूप है गणेश जी के हेरम्ब रूप, ये आपका इसका जो हमें इसके बारे में जो जानकारी मिलती है ये मिलती है आपके स्कंद और पद्म पुराण में। स्कंद और पद्म पुराण में आपके गणेश जी के हेरम्ब रूप की प्रतिमा या हेरम्ब रूप के बारे में आपका एक कथा या एक रचना इनके बारे में सुनने के लिए मिलती है, इनकी कहानी सुनने के लिए मिलती है, ठीक। देखिए 5 मुख 10 हाथ शेर के ऊपर सवार होते हैं, नेपाल में प्रचलन है। तंत्र विद्या करने वाले या जादू टोना करने वाले या तंत्र मंत्र करने वाले लोग गणेश की इस प्रतिमा को पूजा करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपके स्त्री वैनायकी, गणेश जी की स्त्री वैनायकी वाली प्रतिमा। देखिए गणेश जी की स्त्री वैनायकी वाली प्रतिमा ये प्राप्त हुई है आपके पातालेश्वर मंदिर मल्हार के पातालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई है आपके स्त्री वैनायकी गणेश प्रतिमा। यहाँ पे एक गणेश जी के साथ एक स्त्री भी उस प्रतिमा के अंदर मौजूद है। जो प्रतिमा है उसमें गणेश जी के साथ साथ एक स्त्री भी मौजूद है। देखिए इसमें जो गणेश जी के साथ जो स्त्री मौजूद है ये कहा जाता है कि वह स्त्री भी गणेश जी की ही एक प्रतिरूप है, समझिएगा। इसका उल्लेख है आपके मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण और गणेश पुराण में इसकी एक कथा प्रचलित है। ये जो आपके एक अंधका नामक एक असुर था जो कि माता पार्वती से शादी करना चाहता था। माता पार्वती ने शंकर जी को आवाज़ लगाया, शंकर जी ने त्रिशूल फेंक करके उसके गले को उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वो जो अंधका नामक राक्षस था उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसका खून जहाँ जहाँ जिस स्थान पर उसका रक्त गिरेगा उस स्थान पर एक नया अंधका राक्षस पैदा हो जाएगा। तो जितने भी आपके देवता थे, देवता ने अपने आप को एक नारी रूप में परिवर्तित किया। जैसे इंद्र ने इंद्राणी का रूप धारण किया, ब्रह्म ने ब्रह्माणी का रूप धारण किया, आपके विष्णु ने वैष्णवी का रूप धारण किया, वैसे ही जो आपके गणेश जी थे, गणेश जी ने आपके ये वैनायकी का रूप धारण किया। और ये सभी के सभी देवता जो कि देवी का रूप धारण कर चुके थे, इन्होंने उस राक्षस के खून या उस राक्षस के रक्त जमीन में गिरने से पहले ही उसे पी लिया। इस प्रकार वह अंधका नामक राक्षस का वहीं अंत हो गया। तो ये कथा प्रचलित है आपके मत्स्य पुराण के अंतर्गत। और ये जो आपका ये जो दो प्रतिमाएँ हैं, दोनों प्रतिमाएँ ये आपके कलचुरीकालीन होने के अनुमान है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोनों के दोनों प्रतिमाओं का प्रचलन हमारे भारत में नहीं है, ठीक। भारत में और किसी भी जगह इस प्रकार की दूसरी प्रतिमाएं नहीं मिली है, ठीक। देखिए नेक्स्ट है प्रदेश का पहला सेब बगान। अभी तक हम प्रदेश में आपके चाय के बगान पढ़ चुके हैं, कॉफ़ी के बगान पढ़ चुके हैं, ठीक। देखिए ये प्रदेश का क्या है, पहला सेब मतलब एप्पल, ठीक। यह है प्रदेश का पहला सेब का बगान, ये खोला गया है आपके मैनपाट अंबिकापुर में। देखिए चीज़ों को मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, एक्चुअली में क्या है, अभी जगह जगह गणेश बैठाए गए हैं, कई जगह से आपके जो लाउड स्पीकर है उसके आवाज़ आते हैं। ये थोड़ा सा जो समय रहता है इसमें क्या है, आपको मुझे ये वीडियो मेरे को बनाने का समय मिल रहा है तो इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। हो सकता है कभी भी लाउड स्पीकर चालू हो जाएगा और ये जो वीडियो में आपके अननेसेसरी साउंड आने चालू हो जाएंगे, इसलिए मैं क्या है थोड़ा वीडियो में फास्ट बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी वीडियो को कम्प्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही गणेश चतुर्थी का अवसर ख़त्म होगा, माहौल शांत होगा, फिर से हम आराम से सारे वीडियो कवर करेंगे। लेकिन आज थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, वीडियो आज थोड़ा फास्ट आएगा, ठीक।
देखिए नेक्स्ट है आपका एकीकृत सुविधा केंद्र। एकीकृत सुविधा केंद्र देखिए प्रदेश में आपके 3 एकीकृत सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। ये एकीकृत सुविधा केंद्र है क्या? महिला युवा बच्चे और प्रौढ़ वर्ग, महिला युवा बच्चे और प्रौढ़ वर्ग के आर्थिक सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए यह एकीकृत सुविधा केंद्र खोला जा रहा है। आर्थिक सामाजिक और शारीरिक, आर्थिक मतलब उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना, या जैसे आप सभी को मालूम है कि अभी गनियारी बिलासपुर में आपका मल्टीपल एक्टिविटी सेंटर यानी आजीविका अंगना खोला गया। क्यों? क्योंकि महिला स्वसहायता समूहों को रोजगार देने के लिए। उसी प्रकार आपके युवाओं और बच्चों को सामाजिक विकास और शारीरिक विकास, शारीरिक विकास मतलब खेल की इक्विपमेंट प्रदान करना या जिम की इक्विपमेंट प्रदान करना। तो ये है महिला युवा बच्चे और प्रौढ़ वर्ग को आपको आर्थिक सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए एकीकृत सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। गनियारी बिलासपुर, गनियारी तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत गनियारी बिलासपुर में ऑलरेडी आपका एक एकीकृत सुविधा केंद्र प्रारंभ कर दिया गया है। और आपका साकरा पाटन ब्लॉक और चटौद कुरुद, ठीक, साकरा पाटन ब्लॉक और चटौद कुरुद में ये दो और आपके एकीकृत सुविधा केंद्र अभी निर्माणाधीन है। ठीक, गनियारी बिलासपुर में प्रारंभ कर दिया गया है, बाकी ये जो आपका साकरा पाटन और चटौद कुरुद में ये निर्माणाधीन है। देखिए राशन कार्ड, आप सभी को मालूम है कि प्रदेश में भी राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो जो नया राशन कार्ड बन करके आ रहा है, इस नए राशन कार्ड में आपका यह राशन कार्ड 12 अंकों वाला राशन कार्ड होगा, याद रखिएगा। इससे पहले 14 अंकों वाला राशन कार्ड आपका वितरित किया गया था, लेकिन इस बार जो नया राशन कार्ड आ रहा है, वो नए राशन कार्ड में आपके पर्टिकुलर जो इसके उपभोक्ता होंगे, उस उपभोक्ता से संबंधित 12 अंकों का यह डिजिट होगा इस राशन कार्ड में। साथ ही साथ QR कोड भी लगे होंगे, जिसमें पूरे के पूरे पर्टिकुलर उस व्यक्ति से संबंधित, जिसके नाम से वह राशन कार्ड इशू किया गया है, उसे संबंधित सारी की सारी जानकारी इस QR कोड के अंतर्गत फिट की जाएगी। अब इसमें से प्रश्न बनता है कि राशन कार्ड का कलर किस प्रकार का राशन कार्ड या किस रंग का राशन कार्ड किस वर्ग के लिए अलॉट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राशन कार्ड के रंग से प्रश्न पूछा गया है। जैसे कार्ड रंग और सामग्री, अंत्योदय राशन कार्ड जो कि पहले आपके गुलाबी रंग का हुआ करता था, इस बार जो अंत्योदय राशन कार्ड है वो है आपके पीले रंग का अंत्योदय राशन कार्ड है। इस पीले रंग के अंत्योदय राशन कार्ड धारी को 35 किलो चावल प्रदान किया जाएगा, 1 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रदान किया जाएगा। नमक सामान्य क्षेत्र यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को 1 किलो आपका नमक प्रदान किया जाएगा मुफ्त, और अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को 2 किलो आपका नमक पैकेट प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ चना, 2 किलोग्राम चना 5 रुपए प्रति किलो की दर से अनुसूचित क्षेत्र, देखिए अनुसूचित और गैर अनुसूचित ये दो क्षेत्र है, गैर अनुसूचित बोलिए या सामान्य क्षेत्र बोलिए, ठीक, यहां पे ये जो चना है, चना केवल अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को ही वितरित किया जाएगा, 2 किलो चना 5 रुपए प्रति किलो की दर से। प्राथमिक राशन कार्ड का नया कलर होगा आपका लाल रंग का राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा आपके प्राथमिकता परिवार के लोगों को। इसके अंतर्गत जो चावल है, 1 सदस्य है तो 10 किलो चावल दिया जाएगा, 2 सदस्य है तो 20 किलो चावल दिया जाएगा, 3 से 5 सदस्य है तो 35 किलो चावल दिया जाएगा, यदि 5 से अधिक सदस्य है तो 7 किलो चावल प्रति सदस्य की दर से प्रदान किया जाएगा। पहले भी हम करंट अफेयर के वीडियो में कवर कर चुके हैं सार्वभौमिक PDS प्रणाली के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट है आपका अन्नपूर्ण राशन कार्ड, ये भी पहले गुलाबी कलर का होता था, लेकिन इस बार जो ये राशन कार्ड आ रहा है अन्नपूर्ण राशन कार्ड, ये रहेगा आपके नीले कलर का, जिसके अंतर्गत 35 किलो चावल प्रदान किया जाएगा। इस 35 किलो चावल में से 10 किलोग्राम मुफ्त मिलेगा और बाकी बचा हुआ आपका 25 किलोग्राम 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है अन्नपूर्ण राशन कार्ड, इस अन्नपूर्ण राशन कार्ड के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक जो कि आपके पेंशन के लिए पात्रता रखते हैं लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिलता, तो ऐसे लोग आते हैं इस अन्नपूर्ण राशन कार्ड के अंतर्गत। रंग है नीला, चावल प्रदान किया जाएगा 35 किलो, जिसमें 10 किलो चावल निःशुल्क रहेगा और बाकी बचा हुआ 25 किलो चावल के लिए उन्हें 1 रुपये प्रति किलो की दर से लिया जाएगा उनसे। नेक्स्ट है निःशक्तजन राशन कार्ड। इससे पहले जो निःशक्तजन राशन कार्ड था वो था आपके हरे कलर का, ठीक, निःशक्तजन राशन कार्ड इससे पहले था हरे कलर का, लेकिन अब ये हो गया है आपके काले कलर का। इसके अंतर्गत चावल प्रदान किया जाएगा 10 किलो चावल निःशुल्क। ठीक, नेक्स्ट है निराश्रित राशन कार्ड के अंतर्गत जो इसका नया रंग है ये बन गया है स्लेटी यानी हल्का ग्रे,
स्लेटी या हल्का ग्रे कलर का हो गया है आपका ये निराश्रित राशन कार्ड, जिसके अंतर्गत चावल प्रदान किया जाएगा 10 किलो चावल निःशुल्क। देखिए ये आपके करंट अफेयर का भी टॉपिक है, साथ ही साथ अभी हम आगे देखेंगे जो हमारा छत्तीसगढ़ आपके इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो आएगा, या जिसके पास पीडीएफ भी मौजूद है, जिन्होंने पीडीएफ लिया है उसमें सार्वभौमिक पीडीएफ वाले में ये जो राशन कार्ड का रंग है, राशन कार्ड के रंग को कवर कर लीजिएगा। ठीक, आपके इकोनॉमिक सर्वे में जो हमने इससे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला जो टॉपिक कवर किया है उसमें राशन कार्ड के नए रंग को उसमें साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका चिराग योजना। चिराग योजना का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस चिराग योजना को 1500 करोड़ की आपकी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है इस चिराग योजना का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। ठीक, देखिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड जो इसका बैकग्राउंड है इसको मैं अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि जस्ट इससे पिछला जो वीडियो आया था छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे का संस्थागत वित्त एवं विनियोजन वाला, उसमें मैंने इसका पूरा बैकग्राउंड बता रखा है। ठीक, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना अखिल भारतीय स्तर पर लागू हुआ, उसमें मैंने आपको आंकड़े बताया था जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में आपके आंकड़े दिए गए थे अगस्त 2018 तक की स्थिति में। मैंने उसमें कहा था कि आपको इसके आंकड़े अपडेट कराऊंगा। ये करंट अफेयर का टॉपिक है, प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है उसके हिसाब से उत्तर लगाइएगा। उसमें जो हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाले वीडियो में जो हमने कवर किया है, या जो आपके पास आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ मौजूद है उसमें अगस्त 2018 तक की स्थिति में आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 खाते खोले गए थे, लेकिन अब ये आ गया है जुलाई 2019, वो था अगस्त 2018, ये है जुलाई 2019। ठीक, 31 जुलाई 2019 तक की स्थिति में प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित एक आंकड़े सामने आया है हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। देखिए 31 जुलाई 2019 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 1,43,00,000 खाते खोले गए। 1,43,00,000 खाते खोले गए हैं 31 जुलाई 2019 तक की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, इस 1,43,00,000 खाते में से 1,17,00,000 खातों में, इस 1,43,00,000 खाते में से 1,17,00,000 खाते में 3200 करोड़ की राशि जमा है। ठीक, देखिए टोटल कितने खाते मौजूद है, 1,43,00,000। उस 1,43,00,000 खाते में से 1,17,00,000 खाते में, 1,17,00,000 खाते में मौजूद है आपका 3200 करोड़ रुपए की धनराशि। ठीक, 3200 करोड़ रुपए की धनराशि मौजूद है। देखिए तो ये बचा कितना, अगर 1,43,00,000 में से 1 करोड़ अगर हम 17,00,000 माइनस करेंगे तो बचता है आपका 26,00,000। ठीक, 26,00,000। तो ये जो 26,00,000 बैंक अकाउंट है, ये 26,00,000 बैंक अकाउंट आपके जीरो बैलेंस वाले बैंक अकाउंट है। यानी आप सभी को मालूम है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये जो आपके जो बचे हुए हैं, यानी 1,43,00,000 खाते मौजूद है, उस 1,43,00,000 में से केवल 1,17,00,000 खातों में ही पैसे है। तो ये पैसा कितना है, 3200 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। तो बचा कितना, 26,00,000 के आसपास। 26,00,000 के आसपास जो बैंक अकाउंट है जिसमें जीरो बैलेंस मौजूद है, अगर हम इसका परसेंटेज की बात करें तो अभी प्रदेश में वर्तमान में 15% बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिसमें जीरो जिसमें धनराशि है ही नहीं, जीरो बैलेंस पे वो आपके अकाउंट मौजूद है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका जीडीपी ग्रोथ रेट या विकास दर। विकास दर की अभी हाल फिलहाल में एक नई सूची जारी की गई थी जिसमें आपके 20 राज्यों की आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट वाली एक रिपोर्ट आई। देखिए इसमें यदि हम देखें तो इस 20 बड़े राज्यों में पहले नंबर पर है आपका पश्चिम बंगाल, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट है आपका 12.58%। ठीक, 12.58% जो कि राष्ट्रीय स्तर पर आपका 6% 7% के आसपास आपका जीडीपी ग्रोथ रेट चलता है। पश्चिम बंगाल का कितना है,
12.58%। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में अगर कई जगह कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, ऑप्शन में रहता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र रहेगा आपका, तेलंगाना रहेगा, ठीक, या दिल्ली रहेगा, तो हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि ये जो बड़े बड़े जो आपके डेवलप्ड जो सिटी है या डेवलप्ड जो स्टेट है इसका जीडीपी ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका महाराष्ट्र है वहाँ पे मुंबई को जो है उसका काफ़ी डेवलप्ड सिटी है, तो हो सकता है वहाँ का जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा हो। तो इस भ्रम में मत रहिएगा, सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट है पहले नंबर पर है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल का जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट है आपका 12.58%। ठीक, सबसे कम या 20वें स्थान पर है आपका गोवा। कई लोग का माइंडसेट रहता है कि गोवा, गोवा जहां पे फॉरेनर्स या आपके विदेशी पर्यटक ज़्यादा आते तो हो सकता है यहां का भी जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, लेकिन भारत में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट वाला स्टेट है आपका गोवा, 0.47%। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ इस क्रम में 18वें स्थान पर है, ठीक, 18th पोजीशन, 18वें स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जीडीपी ग्रोथ रेट है आपका 6.08%। इंपॉर्टेंट है, इनका पोजीशन याद रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल को थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है कुपोषण। कुपोषण देखिए, कुपोषण की एक रैंकिंग सामने आई है जिसमें 12 वर्षों में छत्तीसगढ़ के जो कुपोषण दर है, छत्तीसगढ़ के कुपोषण दर में आपके 10% की कमी आई है। वर्ष 2006 में हुए सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण का दर था वो लगभग 47% के आसपास था, लेकिन वर्ष 2018 में जो नए आंकड़े सामने आए, उस नए आंकड़े के अनुसार जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसमें कुपोषण का दर है आपके 37.7%, 37.7% प्रदेश में कुपोषण का दर है। 2006 में जो आंकड़े आए थे उसमें कुपोषण, कुपोषित राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे था। इसके आंकड़ों में अब सुधार हुए, 37.7% के साथ अब इसके रैंकिंग अब 7वें स्थान पर आ गई है। ठीक, पहले स्थान पर यह सर्वाधिक कुपोषित वाला, कुपोषण वाला राज्य है आपका झारखंड। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी कुछ समय पहले आपके भूपेश बघेल जी का एक लेटर आया था जिसमें ये कुपोषण का परसेंट उन्होंने 35.5% बताया है। ठीक, क्या सोच के बताया पता नहीं, लेकिन जो आपके नीति आयोग की रिपोर्ट है और साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर में ये जो आपके कुपोषण मुक्ति अभियान से रिलेटेड जो आपके आंकड़े आ रहे हैं, जो आपके एनीमिया का परसेंटेज आया है 41.5%, कुपोषण का आ रहा है 37.7%, लेकिन ये जो आपके जो लेटर पैड आया है अभी भूपेश बघेल जी का उसमें 35% दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा 37.7%। ठीक, नेक्स्ट है खेल पुरस्कार। अभी छत्तीसगढ़ में आपका राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार का वितरण किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारे खिलाड़ियों को, लगभग 43 खिलाड़ियों को आपका ये राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार वितरित किया गया। कौन कौन से खिलाड़ी को क्या क्या पुरस्कार प्रदान किया गया है ये हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन किस पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की गई है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुंडादुर पुरस्कार, जो गुंडादुर पुरस्कार है ये आपका जो छत्तीसगढ़, जो आपका छत्तीसगढ़ निर्माण दिवस है 1 नवंबर के अवसर पर ये प्रदान किया जाता है गुंडाधुर पुरस्कार। ये जो गुंडाधुर पुरस्कार है ये सीनियर वर्ग कैटेगरी के लोगों को, देखिए दो कैटेगरी होती है, सीनियर वर्ग जूनियर वर्ग, तो सीनियर वर्ग कैटेगरी के किसी एक व्यक्ति को ये गुंडाधुर सम्मान प्रदान किया जाता है और इस सम्मान के अंतर्गत 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम से भी आपके छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण दिवस के अवसर पर जो राज्योत्सव का आयोजन किया जाता है, राज्योत्सव के अवसर पर ये आपके तीरंदाजी क्षेत्र में, आर्चरी तीरंदाजी के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आपके शहीद राजीव पांडे के नाम से एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसको, सीनियर वर्ग को। देखिए, ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है सीनियर वर्ग को, इसके अंतर्गत ओलंपिक, नॉन ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को इसमें पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओलंपिक श्रेणी के जो खेल रहते हैं उसी खिलाड़ियों को, सीनियर वर्ग खिलाड़ियों को 4, नॉन ओलंपिक जो प्लेयर है उनको 2 और पैरालंपिक जो प्लेयर है उनको 1 पुरस्कार। ठीक, यानी कुल 7 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन 7 लोगों में 4 ओलंपिक, 2 नॉन ओलंपिक और 1 आपके पैरा ओलंपिक खेलों की श्रेणी के खेल खेलते हैं। तो ये जो आपका शहीद राजीव पांडे पुरस्कार है इसके अंतर्गत 3,00,000 रुपये की राशि प्रदान की
दी जाती है। ठीक, इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए की राशि का वितरण किया जाता है। मुख्यमंत्री ट्रॉफी के बाद दिया जाने वाला सबसे ज्यादा राशि का पुरस्कार है आपका शहीद राजीव पांडे पुरस्कार। मुख्यमंत्री ट्रॉफी के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री ट्रॉफी के बाद सर्वाधिक जो आपका राशि प्रदान किया जाता है वो किया जाता है आपके शहीद राजीव पांडे पुरस्कार के अंतर्गत। यदि ऑप्शन में आपका मुख्यमंत्री ट्रॉफी ऑप्शन में नहीं है और आपसे पूछा गया किस खेल पुरस्कार में सर्वाधिक राशि प्रदान की जाती है, तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे शहीद राजीव पांडे। यदि ऑप्शन में आपका मुख्यमंत्री ट्रॉफी लिखा हुआ तो मुख्यमंत्री ट्रॉफी को आप आंसर लेंगे। नेक्स्ट है शहीद कौशल यादव। शहीद कौशल यादव पुरस्कार ये दिया जाता है आपके जूनियर वर्ग श्रेणी के लिए। ये शहीद राजीव पांडे सीनियर वर्ग, शहीद कौशल यादव ये प्रदान किया जाता है जूनियर वर्ग। इसके अंतर्गत भी 7 लोगों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सेम ओलंपिक के लिए 4, नॉन ओलंपिक के लिए 2, पैरालंपिक के लिए 1, लेकिन जूनियर वर्ग कैटेगरी को इसके अंतर्गत आधी धनराशि, ठीक, शहीद राजीव पांडे से आधी धनराशि यानी 1.5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आपका हनुमान सिंह पुरस्कार। ये आपके निर्णायकों को और आपके प्रशिक्षकों को, निर्णायक और प्रशिक्षकों को, लगभग 4 लोगों को आपको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसमें 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। शहीद पंकज विक्रम, शहीद पंकज विक्रम जिसमें सीनियर वर्ग के लोगों को, सीनियर वर्ग के लोगों को पात्रता अनुसार 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसमें कितने भी लोगों को शामिल किया जा सकता है, इसलिए ये यहाँ लिखा गया पात्रता अनुसार। नेक्स्ट है आपका विनोद चौबे पुरस्कार जिसमें 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मैक्सिमम 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है जिसके अंतर्गत आपके 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री ट्रॉफी, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो मुख्यमंत्री ट्रॉफी है ये दोनों कैटेगरी में दी जाती है, सीनियर वर्ग जूनियर वर्ग। सीनियर वर्ग के प्लेयर्स को 1, जूनियर वर्ग के प्लेयर्स को 1। इसके अंतर्गत आपके 5 लाख रुपए सीनियर वर्ग को और 3 लाख रुपए जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को प्रदान की जाती है। इस साल जो आपका ये खेल पुरस्कार प्रदान किया गया इसमें मुख्यमंत्री ट्रॉफी के अंतर्गत सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग दोनों कैटेगरी के जो प्लेयर्स है उसमें आपके साइकिल पोलो एक ग्रुप, देखिए साइकिल पोलो में कोई एक खिलाड़ी नहीं होता, पूरा का पूरा ग्रुप होता है, तो साइकिल पोलो के ग्रुप को सीनियर वर्ग जूनियर वर्ग दोनों कैटेगरी में साइकिल पोलो को ये मुख्यमंत्री ट्रॉफी पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए ये जो पुरस्कार है ये आपके 1 वर्ष के खेलों के आधार पर नहीं दिया जाता, एक खिलाड़ी के पिछले 3 साल 4 साल या 5 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर उनका इन खेल पुरस्कारों के लिए चयन किया जाता है। ठीक, 3 साल 4 साल 5 साल अलग अलग पुरस्कारों के लिए अलग अलग इसका टाइम ड्यूरेशन है, 3 साल 4 साल 5 साल के उनके खेलों के आधार पर इनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ इस आपके खेल पुरस्कार जो इस साल खेल पुरस्कार प्रदान किया गया उसमें खेलो इंडिया के जो आपके विजेता जो प्लेयर्स रहे, जैसे आपके आकर्षी कश्यप बैडमिंटन के लिए, शिवाक्ष साहू तैराकी के लिए, इन्हें अलग से खेलो इंडिया में जितने भी प्लेयर्स शामिल थे आपके सुभाष लहरे, ये सभी के सभी प्लेयर्स को आपका अलग से ट्रॉफी प्रदान किया गया है इन खेल पुरस्कारों में। अगले साल से ये न्यूज़ आया है कि अगले साल से जो आपके झीरम घाटी में जो आपके शहीद हुए थे, जो नेता मंत्री शहीद हुए थे, उनके नाम पर आपका ये खेलों के पुरस्कारों को प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे चीज़ों को याद कीजिएगा, जितना चीज़ बता रहा हूँ जैसे रिलेट करते हुए बता रहा हूँ उन सारे चीज़ों को याद कीजिएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा बना है, देखिए मैं चाहूँ तो ये वीडियो को छोटा भी कर सकता हूँ, आप बताइएगा कि आपको ये चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है या केवल टू दी पॉइंट चीज़ें पढ़ना है। डायरेक्ट बता सकता हूँ अष्टखम मंदिर बारसूर दंतेवाड़ा में है या आपका एटमास्को कंपनी जो कि आपके धमदा ब्लॉक के अंतर्गत है, मैं ये चीज़ों को बता सकता हूँ। वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का बनेगा, वीडियो थोड़ा लंबा बना है, आप आज नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो और छोटा चाहिए तो वीडियो को और छोटा करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।